हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं WBPSC ने जो आप लोग का एक एग्ज़ाम लिया आज 1.5 घंटे का, तो वही IDEO का एग्ज़ाम लिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो MSME के अंडर में आता है। तो आज जो तारीख है आप लोग का 22 दिसंबर है, में इस तारीख में आप लोग का एक एग्ज़ाम हुआ, तो उसी का मैं आप लोग का आंसर की और इसके साथ ही आप लोग का कट ऑफ कितना होगा ये भी मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊँगा। एंड आप लोग को जिस लोग को आंसर की नहीं देखना, नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, आप लोग एकदम वीडियो के लास्ट एंडिंग के 2 मिनट में चला जाइए, वहाँ पर मैंने आप लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस बता दिया है, सेफ स्कोर क्या होगा एंड वैकेंसी के रिलेटेड कितने लोगों को बुलाएंगे एंड कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे आप लोग का मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ, तो सिर्फ आप लोग मैथ्स कर लीजिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड ड्रिंक वर्म कॉन्जुगेट, ये सब आप लोगों का कॉन्टेजियस डिजीज है, फर्स्ट ऑप्शन सी। देन थायराइड आप लोग का ग्लैंड नेक में मिलता है। देन बेसोन पार्टिकल, ये SN बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलके खोजा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देन फोर्थ का है आप लोग का रेक्टेंगल वाला, मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अगर सॉल्यूशन चाहिए मैथ्स का अच्छी तरह से, तो मैं आप लोग को विद PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर ये यहाँ पे उतना मैथ्स कोई भी ट्रिकी नहीं था, सिंपल ही था। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, मेरे को कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4% डिक्रीज होगा। राइबोफ्लेविन विटामिन B12 को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सिनोनिम एब्जॉल्व का पार्डन होगा। तो यहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन वाला पूर्वांश करेक्ट होगा आंसर। GSM का फुल फॉर्म है आप लोग का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। देन PQR वो जो टाइम एंड वर्क, सॉरी वर्क वाला क्वेश्चन था, ये आप लोग का 30 डेज करेक्ट आंसर होगा। 1 हॉर्स पावर आप लोग का 746 वाट के बराबर होता है। देन इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने डिस्कवर किया था। देन 1969 में आप लोग का 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, इनमें से कौन सा आप लोग का बिलोंग नहीं करता, ये कई जगह आप लोग का गेन से लिखा है, कई बार एवर लिखा होता है, एवर में आप लोगों का करेक्ट मानता हूँ। देन नेक्स्ट है ये, इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, जो हम लोग का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, नॉर्मन बार्लो को बोलते हैं, तो वही करेक्ट है, बार्लो अवार्ड्स। देन नेक्स्ट है 44 अमेंडमेंट में हम लोग का राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। उसके बाद 16 ब्लैक सॉइल जो कॉटन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो रेगुर बोला जाता है। देन सिपरमिंट्रेनिंग, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन में है, क्योंकि सिपरमिंट्रेनिंग बहुत लोग मंगल पांडे बैरकपुर करके आए हैं फ्रेंड्स, वो गलत होगा। यहाँ पे आप लोग का स्पेलिंग गलत था, MERAT मेरठ का स्पेलिंग गलत है, MEERUT होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कॉपर का एलॉय नहीं है, सोल्जर करेक्ट होगा। देन ये वाला आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन था, 1012 करेक्ट आंसर था। देन कमर्शियल क्रॉप्स इनमें से कौन सा नहीं है, वीट नहीं है, वो फूड क्रॉप है। देन मिथाइलेट स्पिरिट, ये किसका मिक्सचर है, ये मिथाइल एल्कोहल 95% रहता है, इथाइल एल्कोहल 5% रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बहुत लोग पैराडीन भी कर रहे हैं, वो गलत होगा फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट आप लोग का खेतरी प्रोजेक्ट है आप लोग का, जो राजस्थान फेमस है, वो कॉपर के लिए फेमस है। 10% इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है, आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 50। गौतम बुद्ध ने जितना भी अपना रिलीजन कौन से लैंग्वेज में स्प्रेड किया था, पाली में। और गैसोलिन जो क्रूड ऑयल से आप लोग का डिफरेंशिएट अलग करते हैं, वो आप लोग का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से होता है। देन नेक्स्ट 26, ये एडोलसेंस मॉल न्यूट्रिशन वाला वेरीज करेक्ट होगा आंसर। देन IBC वाला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला सील्स करेक्ट आंसर होगा। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट, ये आप लोगों का सीमेंट करेक्ट आंसर है। HCFLCM वाला क्वेश्चन था, इसमें 240 एंड 48 ये वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन 80 होगा। देन एबेट का सिनोनिम डिक्रीज होगा। 31 आप लोग का वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई का काम क्या है, कैमरे का तरह काम करता है। देन आइसो बार कौन सी लाइन में, कौन सा लाइन बताता है, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर का है। देन इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड USA के साथ करता है। PQRST ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसका करेक्ट आंसर P+4 होगा। देन सिटी इज स्प्रेड ओवर 2 कॉन्टिनेंट्स, ये इस्तांबुल सिटी जो है टर्की और ग्रीस को ज्वाइन करता है, तो ये आप लोग का, ये ग्रीस आप लोग यूरोप में, टर्की आप लोग का एशिया में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस्तांबुल। देन 36, मिक्स्ड फार्मिंग किसे बोलते हैं, ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड ऑल्सो रेजिंग लाइफ स्टॉक, ये करेक्ट आंसर होगा। देन गैसोलिन रन कार सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कार्ल्स बेंज, जो आप लोग का मर्सिडीज बेंज आप लोगों को नाम पता ही है। देन उसके बाद ये साई डॉग वाला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर साइल होगा। देन इसमें जो सेंटेंस को कंप्लीट करना था, हारमोनियस करेक्ट होगा। देन ये मैन परचेज 560 ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन, 224 और 336 करेक्ट आंसर होगा। देन ऑल टैक्सेस, सब टैक्सेस हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर में आता है। लैंड का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। भगवद गीता को इंग्लिश में
चार्ल्स विल्किंसन ने ट्रांसलेट किया था। देन उसके बाद नज़ल इन सब में से बिलोंग नहीं करता, 45 वाला क्वेश्चन, ₹450 ए मैन, ये आप लोग का 750 करेक्ट आंसर होगा। देन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन, ये आप लोग का एन सी चौधरी करेक्ट आंसर है। देन 240 ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन 2 ईयर्स था, एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला 80 ईयर वाला क्वेश्चन 12.5% था। देन कलपक्कम और कोदनकुलम ये सब आप लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फेमस है जो आप लोग का तमिलनाडु में है। देन एटॉमिक पावर स्टेशन करेक्ट होगा। देन डेमेरिट मेंडलीव तो आप लोग को पता ही है, पीरियोडिक टेबल के लिए फेमस है। देन मटेरियल यूज फॉर लीड पेंसिल, ये ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। इनमें से कौन सा आप लोग का इंडिया के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीब्यूट नहीं करता। टर्मेरिक का कौन सा पोर्शन हम लोग खाते हैं, ये आप लोग का स्टेम पोर्शन है। देन उसके बहुत लोग इसको रूट भी करके आए होंगे, ये गलत होगा फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट है आप लोग का, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, इंडियन बोला है फ्रेंड्स यहाँ पे, सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर होगा। देन वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इन सॉल्यूशन मैथ, ये एल्गोरिथम करेक्ट आंसर है। उसके बाद आप लोग का फिश प्रोडक्शन ब्लू रिवोल्यूशन होगा। सीवी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, ये यू जो है आप लोग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बोलते हैं, इसको सी बाई वी बोलते हैं। देन पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। एडामेंट आप लोग का स्टब बोन सिनोनिम है। राउलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, उसके बाद ही आप लोग का जो दंगा हुआ था, मैसेकर हुआ था जलियांवाला बाग में। देन टी बोर्ड लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बहुत लोग दार्जिलिंग करके आए, वो गलत है, कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर। इमैक्युलेट का एंटोनियम डर्टी होता है। जिप्सम ये आप लोग का कैल्शियम का ओर है। देन ब्लैक फीवर कालाजार, ये किसने इन्वेंट किया था मेडिसिन, यू सी ब्रह्मचारी ने अवॉर्ड किया है, इन्वेंट किया था। देन खरीफ कॉफ, इनमें से कौन सा बर्ली खरीफ कॉफ नहीं है और अभी है। देन नेक्स्ट आप लोग का ये मिसिंग नंबर, ये 42 है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा से पास नहीं होता। ए मैन वॉकिंग ये 10 किलोमीटर पर आवर वाला, ये आप लोग का 50 मिनट्स है। देन 15:11 ये HCF वाला क्वेश्चन 195/43 होगा, और ये 769 वाला क्वेश्चन का आंसर 863 होगा। देन मैन स्विमिंग वाला क्वेश्चन, ये 3 किलोमीटर पर आवर होगा। देन 24 आवर फ्री पावर सर्विस, ये वाला तेलंगाना ने किया है। देन ABCD वाला क्वेश्चन था, a² + b² ये 9 m² होगा। देन पेंडुलम वाला क्वेश्चन आप लोग का रन स्लो रन करेगा, ऑप्शन ए। देन हिंसांग ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। प्रोटीन एनर्जी मल्टीशन क्रॉस मैरासमस करता है। देन है बेसिक कोबल C++, ये कंप्यूटर लैंग्वेज आप लोगों को पता ही है। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था, पुलिस लोगों को मार दिया था, तो तब आप लोगों को हटा दिया गया था 1922 में। देन उसके बाद ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था, ये आप लोग का 3%, 4%, 6% वाला, ये इसका करेक्ट आंसर 2838 वाला है। देन मेजर प्लांटेशन ऑफ रबर इज फाउंडेड इन मलेशिया में मिलता है। वंदे मातरम ये आप लोग का फर्स्ट कंपोज हुआ था 1879 में, एक्चुअली फ्रेंड्स ये 1869 में होना चाहिए था, बट यहाँ पे 70 का पास दिखा तो मैंने 1870 मार दिया। देन नेक्स्ट है बाइल जूस, हम लोग को सीक्रेट होता है लीवर से। देन पेल वाला कोडिंग था, वो 24153 करेक्ट होगा आंसर। PQR स्टार्ट ये बिजनेस वाला क्वेश्चन 720 करेक्ट आंसर होगा। देन कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल इज इक्वल टू 20 आर्टिकल, ये गेन परसेंट 25% होगा। देन नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हर्ट्ज करेक्ट आंसर होगा। देन आई का फंक्शन क्या होता है, हम जो फंक्शन लेंस होता है आई में, उसका काल क्या होता है, फोकल डिस्टेंस को चेंज करना। देन नेक्स्ट है बैग, वो जो कॉइन वाला क्वेश्चन था वो 20 करेक्ट होगा। लॉन्गेस्ट बोन हम लोग का थाई बोन होता है। देन उसके बाद एंटोनिम पूछा है इंक्लीमेंट का, ये डेफिनेट करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, लाइलोन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस के लिए, सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। देन इसके बाद आप लोग का रेशियो वाला क्वेश्चन था, इसका 57 करेक्ट आंसर होगा। देन पेन वाला क्वेश्चन 125172 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे करके है, उन सब का मल्टीप्लीकेशन, ये 25 है करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट आप लोगों का ए वाटर टैप वाला 12 मिनट्स करेक्ट आंसर है। देन आप लोग क्लैरिफिकेशन इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये बेसिक अब ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस करेक्ट आंसर होगा। देन उसका 98 में 90% ऑफ ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, इसका 300 करेक्ट आंसर होगा। रमन इफेक्ट आप लोग का सीवी रमन ने डिस्कवर किया था। एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वाटर डेंसिटी आप लोग का 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है,
आप लोगों का कट ऑफ, कट ऑफ क्या है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्ज़ाम तो एक ही होगा, उसके बाद आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा। एंड ये जो जितने भी इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया भी था, अराउंड 5000 स्टूडेंट ने देखा था, तो आप लोगों को पता ही है ये वाला इस बार वाला एग्ज़ाम ईजी आया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा एग्ज़ाम ईजी था, लेवल इसका मॉडरेट एंड ईजी था, बट टफ नहीं था, क्योंकि इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे इसका 10%, ये एग्ज़ाम उसका 10% भी नहीं है, इतने लेवल लेवल के वो लोग एग्ज़ाम थे। इस बार वाला थोड़ा सा मॉडरेट एंड ईजी आया है, तो इसलिए आप लोगों का कट ऑफ हाई जाएगा। एंड क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप हुआ था 56,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था, एंड एग्ज़ाम आप लोगों का अराउंड 45,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है सिर्फ प्रीलिम्स है, उसका डायरेक्ट इंटरव्यू है, वैकेंसी भी बहुत कम है, वैकेंसी अराउंड 118 है। अगर 10 रेशियो में भी अगर बुलाएंगे तो ओनली 1100 को ही बुलाएंगे, यानी कि 1100, आप लोग पकड़ लीजिए 1000 लोगों को ही बुलाएंगे, तो 45,000 में 1000 को अगर बुलाएंगे तो वैकेंसी ऑफकोर्स आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। तो कट ऑफ आप लोग का मिनिमम पकड़ के रखिए यहाँ पे 75+ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, अगर मेंस बात होता तो अलग बात होता, तो यहाँ पे मैं कट ऑफ आप लोग का 75+ बोल रहा हूँ, उससे कम जाएगा नहीं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा सुझाव अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी आंसर गलत लग रहा है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट कीजिए, मैं उसको बाद में नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।